सर आप? मेरा नाम विलास वल्ले है, मैं आजाद समाज पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास बोर्ड ऑफिस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न थे, और उनका अंतिम संदेश था कि इस कार्य को मैं यहाँ तक बड़े संघर्षों से, बड़ी मेहनत से, और मैंने बहुत कुछ खोकर इस कार्य को यहाँ तक लाया हूँ, अगर तुम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो पीछे भी मत आन देना। लेकिन परिस्थिति आज उसके विपरीत है, भारतीय संविधान खतरे में है, ये मनुवादी सरकार है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खतरे में? बिल्कुल संविधान खतरे में, कई आर्टिकल खत्म कर दिए गए हैं, आप देख सकते हो नाजायज तरीके से EWS आरक्षण कोटा लागू कर दिया गया है। EWS का विरोध करते हो? बिल्कुल विरोध करते, जिनको आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं थी, जो आरक्षण को न जाने क्या क्या कहते थे, मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या क्या घूस कहते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते थे कि आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हुआ, उनको आरक्षण की जरूरत पड़ी, ऐसे टाइम पे उन्होंने 10% आरक्षण मांगा और लिया, बिना संघर्षों के उनको 10% आरक्षण भी मिला। सबको मिल रहा है ना? नहीं, सबको मिल रहा है। आप बताइए ना, इस देश के अंदर, आप मुझे बताइए, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो कितने गरीब है, कितने ब्राह्मण गरीब है, आप बताइए मुझे, जिनको 10% आरक्षण दिया गया, जिनकी संख्या ही मात्र 3% है, 15% टोटल मिला के, तो उनको देने का क्या मतलब रहा? तो आज आप संदेश क्या देना चाहते हैं सरकार को? हम सरकार को भी ये संदेश देना चाहते हैं, और हमारे समस्त बहुजन समाज की संगठन और पार्टियों को संदेश देना चाहते हैं कि आज अगर कभी एक नहीं हुए तो भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा, और वो गुलामगिरी की परंपरा पुनः इस देश में लागू हो जाएगी। सभी लोग एक मंच पे आए और इस देश के संविधान को, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बचाए, जो बाबा साहब का अंतिम संदेश था वो बचाने का काम करें।